दोस्तों कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या हमें चाइनीज मोबाइल खरीदना चाहिए, चाइनीज मोबाइल इतने सस्ते क्यों होते हैं और बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं एप्पल हो गया सैमसंग हो गया ये इतने महंगे क्यों हैं और वही कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ वही और चाइनीज मोबाइल इतने सस्ते क्यों हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको चाइनीज मोबाइल खरीदने चाहिए, ऐसे कौन से रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण चाइनीज मोबाइल सस्ते मार्केट में बिकते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो चाइना के ब्रांड हैं और मार्केट में इंडियन मार्केट में स्पेशली इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा मोबाइल बेच रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत सस्ते मोबाइल बेच रहे हैं, उनके हाई एंड मोबाइल भी है, महंगे मोबाइल भी बेच रहे हैं। बट आप कई मोबाइल ऐसे हैं जो सैमसंग के बहुत महंगे मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के सेम कॉन्फ़िगरेशन के मोबाइल आपको बहुत सस्ते में मिलेंगे। लुक्स वाइज भी सुंदर हैं, लुक भी सब कुछ अच्छा है, यूआई भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, बट फिर लोग सोचते हैं कि यार ये सस्ते क्यों हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन सैमसंग अगर 25,000 का दे रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको शाओमी, वन प्लस और वीवो, ओप्पो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको 10,000, 12,000, 11,000 में दे रहे हैं, तो ये डिफरेंस क्यों? तो आज दोस्तों हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये पॉइंट है कि जो भी चाइनीज ब्रांड है जो मार्केट में या इंडियन मार्केट में या कहीं भी मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं उनमें कुछ नया नहीं है। आप नोटिस करना कोई भी बड़ी कंपनी है, जो भी एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, जो R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद वो कुछ नया लॉन्च करती है। एप्पल हो गया, उन्होंने पहले 4 था, उसके बाद 5 किया, उसमें कुछ नया था, वो था कीपैड टच था, टच सेंसर था, ये सब कुछ, उससे पहले वो कहीं पर भी नहीं था। बट आप नोटिस करना दोस्तों जैसे ही एप्पल ने उस टच थिंग को लॉन्च किया जिसे आप फोन को अनलॉक करते हो, कई सारी चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने वो चीज लॉन्च कर दी। तो ये करते क्या है दोस्तों, चाइनीज जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जब भी बड़ा कोई ब्रांड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है उस प्रोडक्ट को लाती है, खोलती है, देखती है उसके अंदर क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है और उसकी कॉपी बना देती है। अब कॉपीराइट का इशू ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, उसके डिजाइन चेंज करते हैं। बट आप कोई प्रोसेसर का तो इशू कोई क्रिएट कर नहीं सकता कि यार सेम प्रोसेसर तुमने कैसे दे दिया। डिजाइन का पेटेंट हो सकता है बट प्रोसेसर का कोई पेटेंट नहीं होता है दोस्तों। तो कंपनीज यही करती है। आप नोटिस करना चाइनीज कोई भी जो ब्रांड होगा वो कभी भी कुछ नया लेके नहीं आएगी, वो पुरानी कंपनी जो भी नई कंपनी है उसने कुछ नया लॉन्च किया है उसका वो कॉपी करके कुछ ले आएगी। उनके जो भी चाइनीज कंपनी है वो कभी भी R&D नहीं करती है क्योंकि R&D में बहुत पैसे खर्च होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज करती हैं। और अनटिल अनलेस कुछ भी हो दोस्तों, अगर कंपनी कुछ कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट ला रही है, उसके पीछे R&D कर रही है, तो एंड ऑफ द डे पैसे हम ही दे रहे हैं। जो भी R&D हुआ उसका एंड ऑफ द डे जो पैसे जा रहे हैं वो हमारी जेब से ही जा रहे हैं। कंपनी क्या करती है, वो प्रोडक्ट में पैसा अपना ऐड कर देती है और वो प्रोडक्ट उस हिसाब से बेचने लगती है कि मेरा प्रोडक्ट इस कारण से महंगा है दोस्तों, यही कारण होता है। बट चाइनीज कंपनीज क्या करती है, वो कॉपी करती है, उसका कुछ नया बना लेती है। आजकल बहुत सारी चाइनीज कंपनी है, वन प्लस है, ओप्पो है, वीवो है, शाओमी है, शाओमी तो बहुत अच्छे फोन्स निकाल रही है। बट दोस्तों अब शाओमी ने इंडिया में भी प्लांट सेटल कर लिया है, अब इंडिया मेड इन इंडिया का भी शाओमी का चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि आप फ़ोन यूज़ करें और आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कॉल करना है, गेम्स खेलना है, वीडियो देखना है, फोटो खींचना है, जो कि नॉर्मल इंसान करता है, तो चाइनीज़ मोबाइल लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आज से 2 साल पहले ये प्रॉब्लम थी कि हाँ कस्टमर सर्विस नहीं है यार, नई कंपनीज हैं, अब उनके कस्टमर सेंटर भी बहुत सारे खुल गए। आप हर स्टेट पे जाओ, हर शहर में जाओ, हर बड़े शहर में उनके कस्टमर सर्विस मिलेंगे, वो ऑनलाइन सपोर्ट भी आजकल देने लग गए हैं। तो अब ये ऐसा कोई रीज़न नहीं रह गया कि आप चाइनीज़ मोबाइल नहीं खरीद सकते। अगर आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है और आप अच्छा फ़ोन चाहते हो तो चाइनीज़ मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कई अच्छी कंपनीज़ आ गई हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं। हाँ से 5-6 साल, 7 साल पुरानी बात है जब भी कोई चाइनीज़ मोबाइल आया था, जब माइक्रोमैक्स जब नया नया लॉन्च ही हुआ था इंडिया में, तब वो फोन्स की क्वालिटी बहुत पुअर होती थी, बहुत गंदा UI होता था, बहुत बिल्ड क्वालिटी बहुत गंदी होती थी। बट आजकल क्या फोन देखो, आईफोन को टक्कर दे रहे हैं, मेटल बॉडी है, सब कुछ है, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही स्लीक है, सारे फीचर हैं, खुद का UI है। आई मीन मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि आप चाइनीज मोबाइल खरीदो। बट फिर भी वो सस्ते इसलिए जो कि मैंने आपको सबसे पहला रीजन बताया कि वो R&D उनका बैकएंड में उनके कोई भी R&D। और आप नोटिस करना दोस्तों जो चाइनीज कंपनीज होती हैं वो चीप मार्केटिंग करती हैं, वो ज़्यादातर ऑनलाइन फोकस करती है। बट आजकल कंपटीशन और मार्केट इतना ज़्यादा हो गया मोबाइल का कि चाइनीज कंपनीज ने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स ले लिए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज के, और वो फ़ोन को आगे आप दिखा रहे हैं कि आप ये फ़ोन खरीदिए, मैं ये फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कि आप चाइनीज मोबाइल ना खरीदो।
दोस्तों दूसरा फैक्टर ये है चाइनीज मोबाइल सस्ता होने का कि चाइना में लेबर बहुत सस्ती है। चाइना में आप कोई भी सामान बनवाते हो, कुछ भी करवाते हो, तो लेबर बहुत सस्ती है। और चाइनीज मार्केट में खुद में बहुत कंपटीशन है, इतनी सारी कंपनीज है, इतना सारा कंपटीशन है कि वो मार्जिन बहुत कम रखते हैं। आप नोटिस करना दोस्तों, जो शाओमी का फोन आएगा उसके साथ कोई भी एक्सेसरीज नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्जिन ही बहुत कम है, बहुत कम मार्जिन में मोबाइल बेच रही है, इसमें कोई एक्सेसरीज नहीं देती है। बाकी की जो एक्सेसरीज आप अलग से खरीदो। अब उनके कॉम्पिटिशन में वीवो आ गया है, ओप्पो आ गया है, जो चाइनीज मोबाइल है, चाइनीज कंपनी है, वो एक्सेसरीज भी दे रहा है, उनका भी मार्जिन कम है। देन वो जो आप लोकल जहां रिटेलर से खरीदते हो, आप कभी भी नोटिस करना जब आप ऑफलाइन मोबाइल खरीदने जाओगे ये ओप्पो वीवो का, तो जो दुकान वाला को आपको बोलेगा जबरदस्त, सर आप ये लो, सर इसके जैसा मोबाइल कोई हो ही नहीं सकता, सर इसमें 15 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, सर इसमें आप ऐसे सेल्फी ले सकते हो, सर आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। दोस्तों इसका रीजन ये है कि वो कंपनीज मार्जिन बहुत दे रही हैं दोस्तों, 30-30% का मार्जिन है, 20-20% का मार्जिन है। यही नहीं कि अगर वो सिर्फ बैनर अपने शॉप पे रखेंगे कि हम ये मोबाइल बेचते हैं, उसके भी उसको पैसे मिलते हैं। बट ये जो बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये ऐसा नहीं करती हैं दोस्तों। इनके मार्जिन बहुत कम होते हैं, इनके मार्जिन हार्डली होते हैं 5%, 7%। जहां पर वो एक सैमसंग का बेचेगा और जहां पर वो सॉरी तीन सैमसंग का बेचेगा और वहां एक वीवो बेचेगा, तो उसको सेम प्रॉफिट है। इसलिए दोस्तों वो आपको इतना प्रेशराइज करते हैं, सर आप ओप्पो खरीदो, सर आप चाइनीज ये खरीदो, सर इसमें ये है, इसमें ये टेक है, इसमें वो टेक है। बट मैं दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल यूज है एक मोबाइल का, आपको ज्यादा कुछ हाई एंड, बहुत हाई एंड कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल फोन करना है, कैमरा बहुत अच्छा चाहिए आपको और अच्छी स्पीड हो, गेम अच्छा खेल सके, स्क्रीन अच्छी हो, तो चाइनीज मोबाइल में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सके और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सस्ते मोबाइल खरीद सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।